ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है हमारा। करते अरे पढ़ने वालों, जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सक्सेस। अरे पढ़ने वालों, हासिल उसे होती है सक्सेस। अरे पढ़ने वालों, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। दोस्तों टर्म टू एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे, टर्म टू एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, आप उनको शायद उनकी हार्डनेस के हिसाब से टाइम भी दे रहे होंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे कि आसान सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हों, उनकी क्लास ज़्यादा अटेंड कर रहे हों या उनको ज़्यादा होमवर्क कर रहे हों। और आप ऐसा भी नहीं कर रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उनको आप टाइम ना दे रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि पेपर CBSE क्लियर कर चुकी है कि हम ऑफलाइन लेंगे और आपकी वैक्सीनेशन बहुत फास्ट चल रही है इसके हिसाब से। तो अभी भले ही आपको रिलैक्सेशन मिले लेकिन एग्ज़ाम आपके लेगी ज़रूर CBSE, और उसमें डेरिवेशन भी आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि फिजिक्स आपकी कहीं ना कहीं वीक है या टर्म फर्स्ट आपका फिजिक्स का अच्छा नहीं हुआ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा क्लास अटेंड करें इसकी और ज़्यादा मेहनत करें।